हे गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू डिडल की रसोई। और आज मैं मेरी रसोई में बनाने जा रही हूँ आलू पटल की मसाले वाली सब्जी। तो चलिए देखते हैं कि इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। तो यहाँ मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम पटल, जिसे कि मैंने धोकर छीलकर इस तरह काट लिया हुआ है। एक बड़ा आलू, इसके भी छिलके उतार कर इसे काट लिए हुए हैं। एक मीडियम साइज का अनियन था, इसे मैंने इस तरह लंबाई में कट किया हुआ है। यहाँ मैंने लिया हुआ है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 10 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च, ये 2 प्याज मैंने इस तरह टुकड़ों में सिर्फ काटा हुआ है, और 2 टमाटर। साथ ही साथ मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 1 चम्मच जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले, साथ ही साथ ये आधा छोटा चम्मच खसखस के दाने। सूखे मसालों में मैंने लिया हुआ है जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी। यहाँ मैंने लिया हुआ है 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, इसे मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें ये पटल और आलू को फ्राई कर लूँगी। इसे हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जब तक ये आलू और पटल फ्राई हो रहे हैं, मैं ये प्याज और टमाटर को पीस लेती हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च भी पीस लूंगी। ये मेरे मसाले पिस चुके हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच खसखस का दाना भी पीसा हुआ है। ये आलू पटल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं इस प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसी तेल में मैं ये जीरा और खड़े मसाले डालकर फ्लटर होने देती हूँ। ये मसाले स्प्लटर हो रहे हैं, अब मैं इसमें ये प्याज डालकर इसे हल्का गुलाबी होने तक भून लूंगी। ये प्याज हल्का गुलाबी भून चुका है, अब मैं इसमें ये पिसे हुए मसाले ऐड करूंगी। और इन्हें अच्छी तरह भूनना है।
मैं इन्हें 10 मिनट तक मध्यम आंच पे भून लेती हूँ। इन मसालों को भूनते हुए लगभग 10 मिनट होने को आए हैं। अब मैं इसमें ये सभी सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। नमक अपने स्वाद के अनुसार, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच गोल मिर्च पाउडर, दो छोटा चम्मच ये चिकन मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन मसालों को डालकर इन्हें भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये मसाले तेल छोड़ने लगे, यानी मसाले और तेल अलग अलग होने लगे, तब तक हमें इन्हें पकाना है। इन मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें ये आलू और पटल ऐड करूंगी और इसे हार्डली 5 मिनट भूनकर इसमें पानी ऐड कर दूंगी। चुके हैं, मसाले और सब्जियां अच्छी तरह भुन चुकी हैं। अब मैं इसमें ये पानी ऐड करूंगी। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग से पानी ऐड करिए। जो आंच है उसे तेज कर दी है और इसे सीटी लगाकर 2 सीटी होने तक पका लेती हूँ। कुकर ने 1 सीटी दे दिया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और 10 मिनट के बाद इसके ढक्कन को खोलकर सब कुछ चेक करूंगी। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये मेरी ग्रेवी जो है वो कुछ इस तरह से है। ये मेरी मसाले वाली आलू पटल की सब्जी अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड आई होप आपको मेरी ये सब्जी जो है वो पसंद आई होगी। इसे बनाने का तरीका भी आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आप इसे एक बार अपनी रसोई में बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियो आने तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।